Good morning, students. Myself Hemant Gupta. Students, we have already studied about this topic, pressure. Okay. Now today we will discuss about the applications of pressure in daily life. ठीक है, हमारे daily life में pressures का कुछ हम लोग use देखेंगे. ठीक है. We have already learned or studied about the pressure that whom to be called pressure. Pressure किसको बोलते हैं? Pressure is defined as force exerted per unit area. The formula of pressure is how much? P is equals to F by A. Already हम ये formula पढ़ चुके हैं, है ना? Pressure is equals to force by area. कितना area? How much area? Area upon which the force acts. Okay. So we have already studied that smaller the area over which the force acts, smaller the area over which the force acts, the larger will be the pressure. Pressure उतना ही ज्यादा लगेगा. जितना कम area पे force act करेगा उतना ही ज्यादा pressure लगेगा. हमने पढ़ रखा है ये चीज. And vice versa, इसी का opposite क्या है? P is equal to F by A. For the larger the area over which the force acts, ज्यादा एरिया पे अगर फोर्स एक्ट करेगा तो लेस विल बी द प्रेशर उतना ही कम. ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितना कम एरिया पे फोर्स एक्ट करेगा प्रेशर उस बॉडी पे उतना ज्यादा ही एक्सर्ट होगा, और जितना ज्यादा एरिया पे प्रेशर सॉरी फोर्स एक्सर्ट करेगा ठीक है उतना कम प्रेशर. व्हाई? बिकॉज देयर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हियर प्रेशर एंड एरिया. प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है? Pressure is inversely proportional to area. Here, pressure is inversely proportional to the area. Pressure area के inversely proportional है. इसे हम लोग mathematically कैसे represent करते हैं? दिस साइन स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. ठीक है, और ये वन बाई ए लिखने का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फॉर्मूला फॉर्मूला क्या अच्छे से देख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. एरिया इज रिटन एट द डिनोमिनेटर पार्ट, नीचे वाले हिस्से पे लिखा गया है ना. एरिया कहाँ पे है? नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट पे. ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज और वी कैन से इट एज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इट मींस इफ दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज देन ऑब्वियसली दिस विल गेट, अगर ये बनेगा तो ये घट जाएगा. इसका उल्टा अगर ये घटेगा तो फिर ये बढ़ जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है. ठीक है, तो इसी लॉजिक में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. ठीक है, first example of the application of pressure is we all know that a camel is able to move fast on sand. Sand ke camel bahut aaram se chal leta hai na, but we people can't move on sand in easy way mein hum log move nahi kar sakte. Why? Because our feet गेट सिंक इन टू द सैंड. हमारा जो फिट है वो सैंड में धस जाता है. ठीक है, लेकिन ये कैमल के साथ प्रॉब्लम नहीं है. सो माई क्वेश्चन इज वाई डज ए कैमल एबल टू मूव फास्ट ऑन सैंड वाई आवर फिट गेट सिंक इन टू द सैंड. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है. सी व्हाट आई सेड, ए कैमल इज एबल टू मूव फास्ट ऑन सैंड. व्हाई? बिकॉज ए कैमल हैज फ्लैट ब्लोड फिट. उसका जो फिट होता है वो इस टाइप का होता है, फ्लैट चौड़ा होता है, फ्लैट रोड फिट. ठीक है,
ठीक है, विच रिड्यूसेस, सॉरी सॉरी नॉट रिड्यूसेस, विच इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सैंड. What I have written here, the camel is able to move fast on sand. इसलिए move कर पाता है because the camel has flat road fit. ऐसा fit होता है उसका, which increases. अगर flat होगा तो sand के साथ जो उसका area of contact obviously बढ़ जाएगा, which increases the area of contact with the sand and therefore प्रेशर क्या हो जाएगा. अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसी भी सरफेस के साथ बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा. देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कैमल गेट रिड्यूस, घट जाता है. कैमल के द्वारा लगाया गया प्रेशर घट जाता है, ठीक है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कैमल गेट्स रिड्यूस्ड एंड देन द फिट ऑफ कैमल सिंक very less in the sands which enables the camel to move easily on the sand. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैमल इज एबल टू मूव फास्ट ऑन सैंड, आराम से कैमल चल पाता है सैंड पे, क्यों, बिकॉज द कैमल हैज फ्लैट रोड फिट विच इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. फ्लैट रोड फिट होने की वजह से उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, फिट का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है सैंड के साथ, वो बढ़ जाता है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से देयरफॉर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द कैमल गेट रिड्यूस्ड. द प्रेशर जो कैमल के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है वो घट जाएगा. इस वजह से कैमल का जो फिट है वो बहुत कम सिंक होता है, विच लेवल्स पे कैमल टू मूव इजीली ऑन द सैंड, जिसकी वजह से कैमल बहुत आसानी से सैंड पे मूव कर सकता है. बट इन केस ऑफ आवर फिट व्हाट विल हैपन, हमारा ऐसा फिट नहीं है, फ्लैट रोड फिट नहीं है, ठीक है, हमारा नैरो फिट, नैरो मींस पतला, ठीक है, नैरो फिट होने की वजह से क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सैंड के साथ घट जाएगा, क्योंकि नैरो फिट है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सैंड के साथ घट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा सैंड के ऊपर, सैंड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो फिट है वो नैरो फिट की वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सैंड के साथ, हमारा फिट का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सैंड के साथ है वो कमेगा, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा फिट सिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है सैंड. So this one is the first application of pressure. Second, जो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो बहुत हेवी लोड्स को कैरी करते हैं, आपने उन्हें ध्यान से देखा होगा, तो फोर टायर्स की जगह पे 8 टायर्स, 10 या 12 टायर्स यूज होता है, ऐसा क्यों होता है. माई क्वेश्चन इज इन हेवी ट्रक्स वाई दीज ट्रक्स हैव 8 टायर्स इंस्टीड ऑफ 4 टायर्स. ऐसे ट्रक्स में 8 टायर्स क्यों होते हैं, 4 टायर्स होने की बजाय क्यों होता होगा. यू कैन से
आप लोग शायद मुझे लगता है आंसर बता सकते होंगे। आर्क टायर्स क्यों होता है? जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द बोर्ड। क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर को रिड्यूस करवाने के लिए नंबर ऑफ टायर्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि हेवी ट्रक्स बेसिकली किसके लिए होता है, हेवी लोड्स को कैरी करने के लिए, ठीक है। सो ये भी कैन राइट है, बिग ट्रक्स विच आर मेड कैरी हेवी लोड्स, big trucks which are made to carry heavy loads have 8 rather than 4 tires just in order to the area of contact of tires with the load so that pressure exerted by the truck on the tires get reduced. So here you can see clearly. So why do we use 8 tires instead of 4 tires in big trucks? So basically big trucks which are made for carry heavy loads, हम लोग सब जानते हैं बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं वो हेवी लोड्स को कैरी करते हैं, तो उनमें 4 टायर्स की बजाय 8 टायर्स क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टायर्स विद द रोड, सच दैट कि रोड के सर्फेस के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट है, टायर्स का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर विल गेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस, तो प्रेशर हमें ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द टायर गेट रिड्यूस्ड, प्रेशर घट जाएगा और जस्ट स्मूथली रोड पे, ठीक है। दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन। नाउ कम टू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर नॉट इन एयर। You all know that it is very easier to cut a to cut an apple with a sharp knife as compared to blunt knife. सब लोग जानते हैं sharp knife की मदद से हम apple को बहुत आसानी से cut कर सकते हैं, लेकिन blunt knife के साथ बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? sharp knife के साथ हम आसानी से क्यों apple को cut कर पाते, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसी कंक्लूजन से समझते हैं। It is easier to cut an apple with a sharp knife as compared to blunt knife because a sharp knife has less area of contact with the surface of an apple. ऐसा क्यों होता है कि sharp knife का जो area of contact है apple के surface के साथ वो कम होता है sharpness की वजह से,
अगर धारेदार चाकू होगा ठीक है, तो उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा एपल के सर्फेस के साथ वो कम बनेगा। तो ये लेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होने के लिए यू ऑल नो दैट प्रेशर विल एग्जर्ट व्हाट, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ठीक है। तो ये वी कैन राइट applies a greater pressure on the apple which makes it cut in an easier way. It is easier to cut an apple with a sharp knife as compared to blunt knife because the sharp knife has less area of contact with the surface of an apple. Sharp knife का apple के surface के साथ कम area of contact होता है, जिसकी वजह से which applies greater pressure on the apple. Apple पे ज़्यादा pressure लगेगा, which makes it to cut in a easier, आसानी से कट जाएगा. Why in case of blunt knife what will happen? Blunt knife के case में area of contact ज्यादा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कट एन एप्पल विद ए ब्लंट नाइफ। ओके अगेन वी कैन सी अनदर एग्जांपल, it is easier to hammer a sharp nail into the wood as compared to blunt knife. बिल्कुल सेम इस फेनोमेनन को वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे एप्पल वाले केस में डी, ये क्या कह रहा है, इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प नेल, शार्प नेल ठीक है, शार्प नेल इजियर देन सी मैंने नेल बनाया हो, ये नेल क्या है शार्प है या मैंने सकते हैं, और ये दूसरा नेल मैंने बनाया है इसका शार्प नेल ज्यादा है, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा ठीक है। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक, यहाँ पे भी वुडन ब्लॉक, व्हाट विल हैपन इन दिस टू प्लेसेस, दे विल हैव अ दिस टू नेल्स वन बाय वन, एक एक करके जब हम दोनों है नमस्ते दोनों नेल्स पे हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, इन दिस केस इट विल बी इजियर फॉर द नेल टू गेट पेनिट्रेट इन साइड द वुड, आराम से ये नेल इस वुड के अंदर चला जाएगा, जबकि इस केस में ये नेल इसके अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वुड की सरफेस के साथ, इस नेल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वुड के साथ वो ज़्यादा है, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो प्रेशर कम लगेगा ठीक है, इस वजह से जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे विद हेल्प ऑफ हैमर ये बहुत मुश्किल से अंदर जाएगा, जबकि ये इजिली अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, क्यों, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इस नेल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट शार्प है और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है, जैसे इन द पिक्चर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, जिसकी वजह से आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा, जब इसको हैमर से ओके, सी व्हाई इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू द वुड एज कंपेयर टू द ब्लंट, बिकॉज द शार्प नेल हैज less area of contact with the surface of wood which increases
does it gets penetrate into the groove. Very easily as compared to the blood. See, it is easier to have a saphenate into the roots as compared to blood work because the saphenate has less area of contact with the surface. With the surface, the saphenate ka area of contact kam hota hai. Iski wajah se which increases the pressure. प्रेशर इंक्रीज करेगा वेगेज अगर जब उसको हैमर जब हैमर कट किया जा रहा होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरी सर्फेस के साथ कम ठीक है वेरी इजी है इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से उसमें पेनिट्रेट कर जाता है एज कम्पेयर टू द ब्लड ब्लड प्लेट के कम्पेयर ओके सो दिस कंक्लूड्स द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ Now, in our next class, we will discuss the next topic.